हे फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव। और एक इंसान की आदतें और उसके कर्म ही उसका भविष्य डिसाइड करते हैं, और बुरी आदतें अगर समय पे ना बदली जाए तो वे आदतें आपका समय बदल देती है। इसीलिए तो हमारी मम्मियाँ हमें इतना टोकती रहती है, बट ना वो ये जानते हैं और ना ही हम कि इनमें से कुछ आदतें असल में हमारे लिए अच्छी होती है। और इस पर मे भी आपका कहना होगा कि कोई बुरी आदत हमारे लिए अच्छी कैसे हो सकती है। सो वेल, इसी सवाल का तो जवाब लेकर आया हूँ मैं फ्रेंड्स, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 9 ऐसी आदतें जिन्हें पूरी दुनिया बुरा समझती है लेकिन वो असल में आपके और आपकी सेहत के लिए अच्छी होती है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं मेरा आज का ये वीडियो टाइटल्ड 9 बैड हैबिट्स दैट आर एक्चुअली गुड फॉर यू। नंबर 1, नहाते वक्त शावर में पेशाब करना। जब पेशाब की बात आती है तो टॉयलेट के अलावा दो बहुत ही फेवरेट जगह है हमारे पेशाब करने की, एक तो है स्विमिंग पूल और दूसरा इनसाइड द शावर। अब स्विमिंग पूल का तो पता नहीं, बट नहाते समय शावर में पेशाब करना कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ असल में आपके लिए अच्छा होता है। आपके यूरिन में प्रेजेंट यूरिक एसिड जब आपके पैरों पे पड़ता है तो वो फंगल इन्फेक्शन फैलाने वाले कीटाणु को मार देता है और आपके पैरों को इन्फेक्शन से बचाता है। और शावर में ही पेशाब कर लेने से आप फ्लश का पानी भी बचा लेते हैं, which is good for water conservation। एक तीर से दो शिकार, लेकिन अब ये आप पर है कि आपको ऐसा कोई काम करना जमेगा कि नहीं। नंबर 2, डकार लेना या फार्ट करना। पब्लिक में या गर्लफ्रेंड के सामने डकार लो तो ऐसे गंदे गंदे लुक्स मिलते हैं जैसे लगता है आपने किसी का मर्डर कर दिया हो, और फार्ट करने पे तो लोग आपको डिसओन ही कर देते हैं। लेकिन असल में ऐसा ना करना इज अ बैड हैबिट, और ये मेरा नहीं बल्कि दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट और डॉक्टर्स का कहना है। ब्रिटिश गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट निक रीड का कहना है कि बर्पिंग और फार्टिंग आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बिल्डअप को खत्म करता है और ब्लोटिंग एलिमिनेट करता है। अगर आप रेगुलर इंटरवल्स पर डकार नहीं लेते या फार्ट नहीं करते तो गैस बिल्डअप के कारण आपको चेस्ट पेन और एसिड रिफ्लक्स जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए शान से डकारो और शान से बादो। नंबर 3, नाखून खाना या नेल बाइटिंग। एग्जाम की नर्वसनेस हो या झूठ पकड़े जाने का डर, सफर हमारे नाखून ही करते हैं। हम में से कई लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में अपने नाखून खाने लगते हैं। वी आर टोल्ड कि ऐसा करना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि हमारे नाखून के बैक्टीरिया हमारे पेट में जाते हैं, बट कॉन्ट्ररी टू व्हाट वी बिलीव ऐसा होना हमारी सेहत के लिए बुरा नहीं है बल्कि अच्छा है। जब ये बैक्टीरिया हमारे पेट में जाते हैं तो इन्हें फाइट करने के लिए हमारे शरीर में स्पेशल व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और इन कीटाणुओं से लड़ने वाले लिम्फोसाइट्स भी। और फिर जब नेक्स्ट टाइम यही कीटाणु हमारे शरीर के अंदर आएंगे तो हमारे शरीर के पास इनसे लड़ने के लिए सेल्स पहले से ही मौजूद होंगे। इससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, और इसीलिए फ्रेंड्स स्ट्रेस हो तो चॉकलेट नहीं बल्कि नाखून। नंबर 4, सुबह देर तक सोना। Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. And जो लोग इस कहावत को फॉलो ना करके दिन में देर तक सोते हैं उन्हें हम कामचोर और आलसी का नेम टैग देते हैं। बट साइंटिस्ट के अनुसार देर तक सोना आपकी सेहत के लिए एक्चुअली अच्छा है। स्टैनफोर्ड रिसर्च के अनुसार अगर आप सुबह जल्दी उठने की बजाय अपने सर्कैडियन रिदम के हिसाब से उठते हैं, चाहे वो जितनी देर तक क्यों ना हो, तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी हाई रहता है और आपका दिमाग भी ज्यादा एनर्जाइज्ड और फ्रेश रहता है। यही नहीं, आपके शरीर को जितनी नींद मिलेगी उतना ही आपके अंदर स्ट्रेस हॉर्मोन्स की मात्रा कम होगी, जिससे आपका वेट कंट्रोल में रहेगा, आपको कार्डियक और डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स का खतरा कम होगा और आपको बेतुकी के क्रेविंग्स भी नहीं होंगे। नंबर 5, कमरा गंदा रखना। जब से मैं छोटा था तब से लेकर अब तक मैं अपना कमरा कभी साफ नहीं रख पाता, और मॉम तब भी डांटती थी और आज भी यही हाल है, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। ये कहानी सिर्फ मेरी ही नहीं है, आप में से कई लोगों की भी होगी। एक क्रिएटिव दिमाग में कई आइडियाज बंदरों की तरह उधम मचाते हैं, जिसके कारण ऐसे लोग कुछ स्कैटर्ड ब्रेन और मेसी से होते हैं, और ऐसा सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ नहीं बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन भी है। इसके अलावा अगर आपको एक गंदे रूम में रहने की आदत है तो आपका इम्यून सिस्टम भी औरों से ज्यादा स्ट्रांग होगा और आपको एलर्जीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसीलिए फ्रेंड्स, अब कोई टोके तो दे देना उसे मुंह तोड़ जवाब। नंबर 6, शावर स्किप कर देना। दुनिया के हर स्कूल की बायोलॉजी क्लास वाले हेल्थ एंड हाइजीन के चैप्टर में रोज नहाने की एडवाइस आपको जरूर मिलेगी, एंड अगर आप रोज नहाने वालों में से नहीं है तो दोस्तों और परिवार वालों के आपसे घिनौने वाले एक्सप्रेशन से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे। अब 10 दिन तक नहीं नहाना सही नहीं है कि बैक्टीरिया बिल्डअप से आप सिर्फ गंदे स्मेल ही नहीं करोगे बल्कि आपको बीमारियां भी हो सकती है, बट 1-2 दिन नहीं नहाओगे तो चलेगा, बिकॉज इट इज एक्चुअली गुड फॉर यू।
हर इंसान की स्कैल्प और स्किन कुछ एसेंशियल ऑयल सेक्रेट करती है जो उन्हें हाइड्रेटेड और स्मूथ रखती है। जब आप नहाते हैं तो आप अपनी डेड स्किन सेल्स के साथ साथ इन्हीं ऑयल्स को भी बहा देते हैं। ज्यादा नहाने से आपकी त्वचा ड्राई भी हो सकती है और वहीं अल्टरनेट डेज पर नहाने से आपकी स्किन नॉर्मल से ज्यादा हाइड्रेटेड रहती है। और इसीलिए नेवर बी अफ्रेड टू स्किप अ शावर और टू ताकि आपकी त्वचा कोमल और सुडोल रहे। नंबर 7, गाली देना। गाली देना इज सोशली अनएक्सेप्टेबल। ऐसा करना वल्गर और मैनरलेस माना जाता है। बेशक गाली देना एक बुरी आदत होती है एंड कई केसेस में डिसरिस्पेक्टफुल भी, लेकिन कुछ स्टडीज के अनुसार गाली देना आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है। एक स्टडी में लोगों के दो ग्रुप्स बनाए गए थे और दोनों को सेम प्रकार के दर्द को 1 to 10 की स्केल पे रेट करना था। एक ग्रुप को दर्द होने पे कुछ बोलना अलाउड नहीं था और दूसरे ग्रुप को तेज गालियां चिल्लानी थी। इस स्टडी में पाया गया कि गाली देने वाले ग्रुप ने सेम दर्द को कम रेटिंग दी थी। दिस इम्प्लाइज कि गाली देना आपको दर्द से राहत देता है। स्टडीज ये भी कहती है कि गाली देना आपको स्ट्रेस से कोप करने में मदद करता है और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए लाभदायक भी है। नंबर 8, गॉसिप करना। हम लड़के हमेशा लड़कियों की गॉसिप करने की आदत का मजाक उड़ाते हैं। गॉसिप करने वालों को कनिंग, बैकस्टैबिंग और यूजलेस जैसे नेम टैग्स मिलते हैं एंड ऐसे लोगों को हम जज भी बहुत करते हैं। लेकिन अगेन स्टडीज के अनुसार गॉसिपिंग आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी लाभदायक होता है। मैन इज अ सोशल एनिमल विच मेक्स गॉसिपिंग अ नेचुरल बिहेवियर। जब हम गॉसिप करते हैं तो हम असल में सोशल इंटरेक्शन बढ़ा रहे होते हैं जिससे दूसरों के साथ कोऑपरेशन और फ्रेंडशिप की भावनाएं डेवलप होती है। एंड क्योंकि वी आर सोशल एनिमल्स, जितने हम सोशल होंगे उतने ही हम खुश रहेंगे। इसके अलावा गॉसिप आपको स्ट्रेस रिलीव करने में भी मदद करता है क्योंकि ये आपके अंदर के इमोशंस और फीलिंग्स के लिए एक आउटलेट का काम करता है। नंबर 9, आई नो इट साउंड्स टू डिस्गस्टिंग टू बी ट्रू, लेकिन मेरा यकीन मानिए लोग ऐसा करते हैं। इनफैक्ट शायद आप में से कुछ लोग भी अपना मुंह छुपा रहे होंगे क्योंकि आप भी इस आदत से मजबूर हो। बट मुंह छुपाने की कोई जरूरत नहीं। आपके नाक के म्यूकस में कई गुड बैक्टीरियाज होते हैं जिन्हें आपके दांतों में प्रेजेंट कैविटी कॉजिंग बैक्टीरिया को मारते हैं और आपके पेट में जाके आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। डोंट बिलीव मी, जाके ऑस्ट्रियन लंग स्पेशलिस्ट फ्रेडरिच बिस्चिंगर से वेरीफाई कर लीजिए। और इसी के साथ फ्रेंड्स होता है मेरा आज का ये वीडियो एंड। अगर आप भी इन 9 आदतों में से किसी के शिकार हैं तो दिखा दीजिए अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी ये वीडियो और अपनी बुरी आदत को शान से ओन कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो एक थम्स अप बिल्कुल देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दबाइए नीचे दिया गया बेल आइकन ताकि आप मेरी कोई भी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना कर सके। बहुत जल्द मिलेंगे फ्रेंड्स एक और नई रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।